तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। उसी के साथ सुबह के बज चुके 9:30 और मॉर्निंग हो चुकी है, बढ़िया सा गुड। और चलिए जाते हैं किचन में और देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहुंच चुके हैं हम किचन में और देख लीजिए, सुबह का ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है हमारे लिए। रोज की तरह है, हमारा गर्म दूध हो चुका है और इधर हमारा भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गया है। तो आज मेरा भी ब्रेकफास्ट है, तो उसके साथ साथ मैं भी पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर सभी से मिलेंगे और सबको पूछेंगे कि क्या हाल चाल है। ऐसा सब इतना ब्रेकफास्ट हो गया है और ब्रेकफास्ट करके रोहित तो चला गया नीचे, तो आज की न्यूज हम नहीं ले पाएंगे। और आप कमेंट में वो बताओ कि आपको सबसे ज्यादा हमारे वीडियो में कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है, जैसे कि ये सुबह का न्यूज का है, फिर दोपहर का खाने का है, शाम को भजन का है। हाँ, मम्मी का भजन तो हम हर रोज नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको जो ज्यादा पसंद होगा तो हम ऐसा सोचेंगे कि हर वीडियो में डालेंगे जब मम्मी हाजिर होगी तब। तो चलिए, अभी मम्मी तो ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, टेरिस पे कपड़े वपड़े शायद सुखाने गए होंगे, क्या करने गए मुझे पता नहीं है। तो सोनल से पूछते हैं, उसको पता होगा कि क्या करते हैं। इधर देख लीजिए, दोपहर का खाना भी बनाने का चालू कर दिया है। और ये कल का घी के अंदर से जो इसको क्या बोलते हैं, मावा निकला हुआ है, उसका पेंडे बनाएंगे। और गुड मॉर्निंग मोहन थाल बनाएंगे, तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो क्या है, क्या काम है? दोपहर को क्या बनाने का? तो मोहन थाल कब बनाने का? मम्मी ने मारे, मम्मी ऐसा है। तो इन लोगों का भाई कलर भी ट्राई करने का है और मम्मी का कितने शनि सैटरडे को जाने का है, कल ही उसकी ट्रेन की टिकट है, 7 बजे की है, शाम की 7 बजे की है। तो वहाँ पे उसका प्लानिंग तो हो गया है, तो उसका थोड़ी बहुत खरीदी करने की है, नाश्ता वास्ता सब लेने का है और मोहन थाल भी बनाएंगे, देखते हैं कब बनाते है। तो मम्मी ने लोग ने ट्रेन में से जमवानू तो कई थेपला के कई लई जावा नहीं है, पर नाश्तो थोड़ो सूको हो तो खावा थे ने, एम रोटी भूख लागे। तो कोई ट्रेन में खाना मिलने वाला है ऐसा सोनल को पता है, मुझे भी अभी नहीं पता है, इसको क्यों पता है पता नहीं है। तो ऐसा सब कुछ है, तो अभी देखते हैं दोपहर को मम्मी क्या क्या लेके आती है और क्या खाने में। तो आपको बता ही दिया कि ये बनने वाला है, तो मम्मी आएंगे तो मम्मी से मिलेंगे कि मोहन थाल कब बनाना है, ऐसा सब कुछ देखें। चलिए गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 2 और आ चुके हैं ऊपर, मोहन थाल बनाने का स्टार्ट कर दिया है मम्मी ने। तो पूछते हैं कि मोहन थाल किस तरह से बनता है। तो देख लीजिए, मोहन थाल के लिए सबसे पहले तो चने का लोट का आटा लेना होता है, क्या क्या 500 लोट ऊपर घी। तो इसमें 500 लोट ले लिया है चना का और इसमें डाल दिया है घी, और अभी इसको सेकना पड़ेगा। और मावा हमने जो कल घी बनाया था ना उसमें से निकाला है, वो डालेंगे। और वो केसरी केसरी केमिकल है जो रंग पकड़ने के लिए, हाँ वो एकदम केसरी बना देगा मोहन थाल को दूध में डाल के। और खांड भी ले ली है, तो अभी कितना टाइम लगेगा लोग सेकने में? ब्राउन कलर करो तो पता कि ब्राउन हो जाएगा, फिर लोट सेक जाएगा। भाई 10 मिनट हो गए, अभी भी लोट सेका नहीं गया है, देख लीजिए अभी भी ब्राउन नहीं हुआ है और इसमें बहुत टाइम लगता है। और अभी कोई ज्यादातर लोग घर पे नहीं बनाते, अभी सब लोग रेडीमेड ही ले लेते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी ज्यादा हो जाता है और हमें जैसा खाना है वैसा बनता नहीं है। हम तो दो साल के बाद आई थिंक ट्राई कर रहे हैं, 2 साल हो गया होगा मम्मी हम नहीं बनाए। पोर कहाँ पे बनाए? आज तो परसों तो मुझे याद नहीं है बनाया था वो, लेकिन हम रेडीमेड बहुत ज्यादा लेके खा लिया है। और अभी पहले क्या होता था, आइटम और ऐसा सब कुछ आता था ना, तो पूरी गाठिया और सब कुछ बनाते थे। अभी क्या है कि कोई खाता नहीं है इसलिए नहीं बनाते, पहले तो आइटम और आती थी तो सब नहीं बनाते थे हम। बनाता अभी कोई नहीं बना रहा ऐसा है ना, खाऊ नहीं बनाऊ, नाना छोकरा होता है लाओ खाऊ,
टाइम नो तैयार बाहर खाता हो घर नु खाए नही तो देख लीजिए ब्राउन कब होगा मम्मी। तो अभी लोट है ना वो सेक गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले क्या था कि लोट अभी सेका नहीं था ना तब पूरा वो चिकना जैसा और लोंदा जैसा हो रहा था। जैसे ही लोट सेक जाएगा ना तो ऐसा फूला हुआ आपको दिखेगा। तो उसमें क्या होता है फूला हुआ में आप ऐसे घुमाओगे ना तो इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी तो इसलिए लोट सेक गया है। अभी इसके अंदर क्या डालने का है मम्मी? मावो। तो ये मावा है उसके अंदर डाल देने का है तो पूरा डाल देंगे हम। तो पूरा मावा या मावा कितना होगा 250 ग्राम होगा एक साल जो मावो। तो अभी मावा भी इसके अंदर हमने डाल दिया है। अभी दोनों को फिर से मिक्स करने का है तो अभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे फिर देखते हैं कैसा बनता है। फिर उसमें अभी चाशनी अलग से लेने की है ना हमको हम इसमें चाशनी अलग से लेंगे। तो आप कमेंट करके बताना कि आप किस तरह से मोहन थाल बनाते हैं। हम इस तरह से बनाते हैं। हमने मावा तो पहली बार ही डाला है कभी मावा नहीं डाला पहले तो वैसे ही बनाते थे। तो पहली बार मावा डाल के बनाया है तो वो टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है। और देख लीजिए मावा डालते ही ऐसे ही फूल जाएगा पूरा लोट। तो अभी देखते किस तरह से बनता है। तो मावा डाल के आपको थोड़ी देर इस तरह से सेक लेना है फिर से। फिर इसकी बाद इसकी चाशनी हम लेंगे कलर कब डालने का साहनी माँ। हाँ तो जब चाशनी लेंगे ना उसमें वो डाल देंगे। तो अभी ये देख लीजिए लोट हमारा अच्छे से सेक इतना ब्राउन नहीं हुआ है अभी मम्मी कैसा है। तो अभी भी इसको थोड़े देर सेकेंगे थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। चलिए तो हमारा लोट अभी सेक गया है अच्छी तरह से। हम इसको थाली में निकाल लेंगे फिर अलग से हम चाशनी इसमें ही लेंगे इस वाली तपेली में। तो इसको थाली में पहले थाली में पहले डाल देंगे सब बगीड़ो को ऐसा होता है कभी कभार जल्दी जब अभी चाशनी लेने का रख दिया है कितनी खान लेते हैं वो सब आपको बताएंगे। और देख लीजिए मम्मी जा रहे हैं तो उसका नाश्ता आ गया है दो खाखरे और पाव और बिस्किट इतना सही नाश्ता लेके जाने का है। ट्रेन में तो देने वाले हैं इसलिए ज्यादा घर से लेके नहीं जाएंगे हम। तो अभी चाशनी लेने की है तो चाशनी लेने के लिए हमने खान निकाल ली है। कितना लोट था 2 वाट का लोट था एक सालू खान एक सालू माओ इतना सब कुछ था। अभी हम लेंगे चाशनी तो खान डाल दिए इसके अंदर। अभी गैस चालू करने का है पानी कितना डालने का है खान डूबे जितनी खान डूबेगी इतना ही पानी डालने का है। तो खान डूब चुकी है तो, अभी इसको हम घुमा गर्म करेंगे। कितने तार की चाशनी लेने की है एक थी डोढ़ तो एक से डोढ़ तार की चाशनी लेने की है। तो देखते हैं कितना टाइम चाशनी में ज्यादा टाइम नहीं लगता है पिघल जाएगी इसलिए चाशनी आ जाएगी। और ज्यादा तार आ जाएगा तो पता सा भी बन सकता है आपका पता बनी जाए ना हाँ सिंग बनावता ना गली काजू करिया तो वो एक बार कभी बनाएंगे फिर से खाए ना हाँ वो काजू कली तो बहुत गड़ा लगता है उसमें सिंग भी नहीं आती और घर पे बनाते हैं ना वो अच्छा लगता है उसमें दाना आता है। हम इसके अंदर डाल देंगे वो दूध का जो कलर है ना सब लोग लोट के अंदर डालते हैं हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। चाशनी के अंदर हमने क्यों डाला वो करते थे पहला अभी इसमें डाल के सीधा पहले वो क्या करते थे दूध लेते थे फिर वो उसमें लोट में डाल के फिर उसकी जो जीनी जीनी गोली है उसको चांदते थे ऐसा सब कुछ करते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं करना पड़ेगा सीधा उसमें मिक्स हो जाएगा। चाशनी आई कि अभी नहीं आई अभी एक थोड़ा बबल जैसा होगा फिर इसकी चाशनी आएगी। धीरे धीरे उबाल आने का चालू हो गया है तो पीना पीना है क्या बहुत ज्यादा उबाल आ गया अभी चाशनी नहीं आ गई होगी तो आपको पता कैसे चलेगा आ गई ऐसा है। तो अभी मम्मी टेस्ट कर रहे हैं चाशनी आई क्या नहीं आई है तो अभी भी नहीं आई है आधा आधा ही तार बन रहा है। अभी फिर से देखते हैं कितने तार की बन रही है तो अभी ये इस तरह से हो रही है एक ही तार बन रहा है। तो थोड़ी देर और गर्म करेंगे इसलिए आधा तार आ जाएगा
तो फाइनली हमारी चाशनी आ चुकी है। इसके अंदर जायफल और एलसी दोनों डाल दिया है क्योंकि इसमें अच्छे से सुगंध आती है। अभी इसको थोड़े देर हिला के फिर हम वो जो नीचे हमने लोट लिया था वो इसके अंदर डाल के फिर थाली में ऐसे पूरा पाथर के करेंगे। इसके अंदर अभी देख लीजिए जो हमने लोट चेका था वो चाशनी के अंदर डाल दिया है सभी, और इसमें हम वो फिर से मिक्स करके इसमें पाथर देंगे मोहन थाल को। तो अभी देखने का वो ये है कि कैसा बनता है। कलर तो अच्छे से ब्राउन आ गया है। चाशनी और लोट दोनों अच्छे से मिक्स करने का है, देख लीजिए अभी चाशनी और लोट अलग अलग लग रहा है। तो अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको हम थाली में ऐसे डाल देंगे, फिर इसको ठंडा होना देना पड़ेगा। अभी कब ठंडा होगा पता नहीं है, जब ठंडा होएगा तब डेफली इसकी पड़ेगी। तो हम और इधर देख लीजिए टेस्टिंग करने वाले भी आ चुके हैं। तो कैसा बना है, मीठा कैसा लग रहा है? अच्छा गला मापे हुआ है ना, तो ज़्यादा इतना गला नहीं हुआ है। वो भी इसको ठेपली पड़ने के लिए ठंडा हो, तो हम ऑफिस से वापस घर पे आ जाएंगे ना, तब तक ठंडा हो जाएगा। और ये थी हमारी मोहन थाल की रेसिपी। तो ऑफिस से जब आएंगे तब देखेंगे कि किस तरह से उसकी ठेपली होती है और कैसी होती है ऐसा सब कुछ। और पापा के लिए स्पेशल बनाया है, वो तो चले गए ऑफिस, तो वो आएंगे उसके पास से हम रिव्यू भी लेंगे ऐसा सब कुछ है। तो मिलेंगे जब ऑफिस से आएंगे तब। तो चलिए गाइस, शाम के बज चुके हैं 5:30 और आ चुका हूँ मैं घर पे। तो देखते हैं मोहन थाल की ठेपली कैसे हुई है। तो देख लीजिए एकदम से अच्छी तरह से मोहन थाल बन चुका है। अभी हम बारी बारी पापा को और उसको सिखा के रिव्यू लेंगे कि कैसे मार्केट में जैसे मिलता है वैसा ही बना है या थोड़ा सा डिफरेंट बना है। सबसे पहले तो मैं ही ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा सा कैसा बना है, वो देखना तो पड़ेगा ही। जैसे हम रेडीमेड लाते हैं वैसा ही बना हुआ है, तो खाने में मजा आएगा। तो अभी थोड़ा एक दो टेपले खा लेते हैं। तो पापा ने दिवाली की खरीदी अभी से कर ली है, तो दिवाली पे उसको लेने का नहीं रहता वो। और हमारे कैसा है कि दिवाली पे ही लेते हैं, तो दुकान वाला सिलाई भी ज़्यादा लेता है और सिल भी नहीं देता है। पापा ने तो कापड़ लेके सिला भी दिया। तो अभी एक कितनी सिलाई ली आपकी? 600 रुपया। हाँ तो इसे ही चल दिए। हाँ तो दूसरी आपने, मैं पहनता हूँ ऐसा कपड़ा सिलवाए अभी छोटे हैं, हाँ ऐसा ही है। तो तीन जोड़ के कापड़ लिए थे, तीनों जोड़ चार है, चार जोड़ी कापड़ पापा ने अभी से ही सिल लिए है। तो दिवाली पे अभी नहीं खरीदी करनी होगी ना दिवाली पे, तो अभी हाँ तो 7 जोड़ तो हो गई। तो देख लीजिए भाई सभी जोड़ लेके आ गए। उससे पहले 3 जोड़ ली थी वो भी अभी नहीं पहन रहे, तो इतनी सारी जोड़ियाँ लेके आ गए है। तो अभी आपका मोहन थाल भी बन गया है, तो मोहन थाल खा के रिव्यू दे दो कैसा बना है। पापा ने मोहन थाल खाने का चालू कर दिया है, तो पूछते हैं कैसा बना है। सुपर बने, जेने खाऊं होय हां, ये अपने घरे पेटी में आवे, बकर पूरो થઈ જાય, પછી નહીં મળે। हां जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और जिनको भी खाना है तो एक दो दिन में घर पे आ जाने का, तो ही मिलेगा वरना फिनिश हो जाएगा। क्योंकि इस बार थोड़ा सा अच्छा भी बना है और काफी टाइम से बनाया नहीं है ना, तो खाएंगे भी ज्यादा। और इधर चाय बन रही है, मावो नाचो एटले आरो। अने आपणे हर बार केसरी और येलो जैसा बनता था, इस बार देख लीजिए सुखड़ी जैसा ही बना है। तो अभी चाय बन रही है, तो चाय पियेंगे और थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। शाम के बज चुके 7 और देखते हैं रात के भोजन में क्या बनने वाला है। तो पहुंच चुके हैं हम किचन में और देख लीजिए बैंगन का भरता बनने वाला है। और इधर रो रही है सोनल, क्यों रो रही है तू? हाँ तो इधर ओनियन काट रहे हैं, तो आंखों में से पानी जा रहा है और मेहंदी डाली लगती है। हाँ ब्लैक एंड वाइट के ब्लैक एंड ब्राउन ने भी लाट आवे ना। तो अभी शाम के खाने में बिंगन का भरता बनने वाला है और देखते हैं उसके साथ में बाजरे का रोटला बनाने का है कि भाखरी बनाने की, क्या बनाने का है, भाखरी। चलिए गाइस, तो शाम के बज चुके 8 और
अभी इस वीडियो को इधर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए और शेयर करके कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर देना। कल मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ। आई होप कि आप कल मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद। बाय।